ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे वन्दनान् मृत्योमोक्षै मामृतात् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्कार, आरोग्य धाम एक वरदान कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो क्या होगा आपका जवाब? बहुत आम सा क्वेश्चन है कि भाई मेरे पास एक शरीर है, उसमें मोटापा हो रहा है, उसमें डायबिटीज हो रही है, उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, उसमें हार्ट की ट्रबल हो रही है, उसमें पेट की ट्रबल हो रही है, उसमें हर्निया हो रहा है, इतने सारे रोग हो रहे हैं, हम अपना ध्यान कैसे रखें? तो जवाब मिलता है वेदों के अनुसार, इफ वी आस्क द क्वेश्चन हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ द बॉडी, देन द आंसर कम्स विद द हेल्प ऑफ योगिक साइंस विच इज ए प्रिवेंटिव साइंस एंड विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक साइंस विच इज ए क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव साइंस। तो जवाब मिलता है योगिक साइंस के द्वारा, जो कि प्रिवेंटिव साइंस है, और आयुर्वेदिक साइंस के द्वारा जो कि जो है एक क्यूरेटिव तो है ही है, प्रिवेंटिव भी है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात वो ये है कि कई बार क्या होता है, लोगों को कई सारी जैसे बीमारियां हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया या डायबिटीज हो गई, तो लोग ढूंढते हैं कि कैसे हो गया। कई बार लोग बोलते हैं ऊपर वाले ने दे दिया, ऊपर वाला थोड़ी मीठा आपका रसगुल्ला खा रहा था या ऊपर वाला थोड़ी चिकनाई खा रहा था। तो कहने का तात्पर्य है, जैसे एक गाड़ी सड़क पे चल रही है तो वो किन चीजों पे डिपेंड करती है? सड़क पे, चलाने वाले पे, इंजन पे। सो इफ देयर इज ए कार गोइंग ऑन ए रोड, ऑन व्हाट थिंग्स इट डिपेंड्स? इट डिपेंड्स ऑन द रोड, ऑन द ड्राइवर एंड द इंजन। इसी तरह से ये जो शरीर है ये दो चीजों पर निर्भर करता है, आपका आहार और आपका विहार, जिस पे हम हर एपिसोड पे जो है एम्फेसिस दे रहे हैं और बार बार देते रहेंगे कि कुछ भी शरीर के साथ गलत होता है तो उसके मुख्य जिम्मेदार आप हैं। इफ समथिंग इज हैपनिंग रॉन्ग, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप जिम्मेदार हैं। आहार क्या खाएं क्या ना खाएं, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे आयुर्वेद में नाड़ी परीक्षा द्वारा पता लगाया जाता है कि क्या आपकी प्रकृति है। एक व्यक्ति था, वो जैसे आपने देखा होगा बाहर के कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जैसे कि उपवास बहुत लगते हैं लोग, उपवास कई बार कई लोग उपवास रखते हैं तो उनको चक्कर आने लगते हैं। क्या आयुर्वेद के अनुसार, उनकी प्रकृति के अनुसार उन्हें इस बिल्कुल खाली पेट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। उप का मतलब है अपने, वास का मतलब है निकट आना, अपने निकट आने को जो है उपवास कहा जाता है। तो आयुर्वेद में जो है मुख्य रूप से अगर आप अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंगली आप उपवास रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे कई बार क्या होता है, आप मंगल का रख लेते हैं या मंडे का रख लेते हैं, पूरे दिन नहीं खाते, ठीक है, आप सात्विक फूड पे रहिए। सात्विक फूड से कहने का मतलब है सिर्फ आप फल आहार पे रहिए। आयुर्वेद के अनुसार दूध आहार पे भी बताया गया है कि खाली 40 दिन तक कई बार दूध पे भी रहते हैं लोग, खाली फलों पर भी रहते हैं, तो आप इस तरह से भी रह सकते हैं। उससे क्या होगा, आप अपने शरीर की जो प्राण शक्ति है उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, लोग ज्यादा जो मर रहे हैं वो कम खाने से नहीं हो रहा है, ज्यादा खाने से ज्यादा हो रहा है। पीपल आर डाइंग नॉट बिकॉज ऑफ हंगर, पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। तो हमने पहले भी कहा आहार में आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर रहे हैं, इट लीड्स टू फर्मेंटेशन एंड प्यूट्रीफेक्शन, उससे क्या है कई तरह की स्किन डिजीज हो सकती है। जैसे हमने बताया था दूध के साथ मैंगो, मैंगो के साथ दूध, दूध के साथ बनाना, बनाना के साथ दूध, ये खीर को खिचड़ी के साथ मिक्स कर रहे हैं या दूध को नमक वाली चीजों के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है आप अपने शरीर में है विकृति ला रहे हैं।
अब एक व्यक्ति है उसको अस्थमा है, वो रात को दही खा रहा है, तो निश्चित रूप से जो है ये दही जो है बहुत अच्छी चीज है, ये कैल्शियम देती है बॉडी को, बैक्टीरियाज देती है जिससे कि फूड सही तरीके से डाइजेस्ट होता है। लेकिन अगर इसका टाइमिंग खाने का सही नहीं है तो निश्चित रूप से जो है रात को आप खाएंगे तो नुकसान होगा, आपको और इनहेलर्स लेने पड़ेंगे और जो है ब्रोंकोडायलेटर्स लेने पड़ेंगे। इसी तरह से बहुत आसान सा एग्जाम्पल दूंगा आपको, अगर अस्थमा का पेशेंट है और सुबह देर से उठता है 9-10 बजे, तो उसको जो है अस्थमा की अटैक्स की शिकायत ज्यादा रहेगी। बहुत छोटी सी बात है लेकिन इसके जो है बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि सुबह अगर आप लेट उठते हैं पूरे दिन में जो है वात पित्त कफ का प्रकोप रहता है, जिस समय सूरज होता है उस समय पित्त बढ़ता है, शाम को जो है आपका कफ बढ़ता है और सुबह भी कफ बढ़ता है और रात को जो है वात का प्रकोप होता है। इसी तरह से रज सत्व रज तम भी बताए गए हैं, उसको भी हम बात करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर रात को सुबह को लेट उठते हैं तो उससे क्या होता है, वो खासतौर से अस्थमा पेशेंट का कफ और ज्यादा बनता है, म्यूकस और ज्यादा सिक्रीट होता है, उससे जो है वो जो मल का डिस्चार्ज होना चाहिए सही टाइम पे होना चाहिए। सो व्हाट वी मीन टू से हियर इज, इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा एंड गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, तो उससे क्या होता है कि म्यूकस बनता है, देयर विल बी मोर म्यूकस एंड देयर विल बी मोर अस्थमा अटैक्स। सो वी हैव टू बैलेंस द ईटिंग हैबिट्स एंड द लिविंग स्टाइल, तो हमें संतुलन लाना पड़ेगा खाने में और अपने रहन सहन में। कई लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, तो फिर स्वस्थ शरीर भी पाना बहुत मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ा सा अपने जीवन में जो है कंट्रोल लाना पड़ेगा, नियंत्रण लाना पड़ेगा अपनी इंद्रियों पे, जो है हम बार बार कहते हैं हर एपिसोड में, इंद्रियों पे जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। तो समाज में जैसे चेंज लाने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप खुद जिम्मेदार बनना पड़ेगा, खुद अपना ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जो है हम एक स्वस्थ समाज का और फिर स्वस्थ देश का और स्वस्थ संसार को जो है ला सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के बारे में, मानसिक धर्म में अनियमितता के बारे में। उसमें कई तरह के जो है टाइप्स हैं, डिसमेनोरिया जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो जो है पेन के साथ होता है, मेनोरेजिया जो है ज्यादा मेंस्ट्रुएशन होना, या जो है इसी तरह से जो है एमेनोरिया बिल्कुल भी जो है मेंस्ट्रुएशन का जो है नहीं होना। तो इसमें जो है सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज है, कारण में जो है कई कारण हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन भी जो है एक फैक्टर है, साथ ही साथ डाइटरी हैबिट्स हैं वो भी एक फैक्टर है, साथ ही साथ जेनाइटल ऑर्गन्स में जो है इन्फेक्शन होना वो भी एक फैक्टर हो सकता है। तो इसमें हम सबसे ज्यादा जो अब ध्यान देंगे वो ये देंगे, आरोग्यधाम योगा थेरेपी में इस तरह के आसन करेंगे जिससे कि हमें जो है मानसिक धर्म में अनियमितता ना हो। मुख्य रूप से जो इसमें हम कुछ आसन बताएंगे आपको और प्राणायाम और ध्यान, जिससे कि जो है आप शरीर में जो है अपने बैलेंस को, संतुलन को जो है मेंटेन कर सकें। तो तैयार है? तो सबसे पहले यम और नियम, जैसे हमने पहले भी किया, आप अपने आप से कमिटमेंट करें कि आप जो है छोटी छोटी बातों पे तनावग्रस्त नहीं होंगे, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन नहीं लेंगे और खाने पीने पे भी अपना ध्यान रखेंगे। सो वी स्टार्ट फ्रॉम यम एंड नियमा, कमिटिंग योरसेल्फ, वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ अवर सेल्फ एंड वी विल नॉट बी स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पे तनावग्रस्त नहीं होंगे, क्योंकि जब